अब सुनो, ये जो एल्वियोलाई होते हैं, ये जो एल्वियोलाई होते हैं, ये होता है बलून की तरह, ठीक है। बलून की तरह कैसे होते हैं, जब इसके अंदर हवा जाती है तो ये फूल जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर होती है बहुत सारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल इसलिए होती है ताकि इसमें ऑक्सीजन, बहुत सारा ब्लड बहे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो सके। ब्लड वेसल में CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। और ये जो नीचे डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या करता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसको एक बहुत ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कराता है लंग्स को फूलने के लिए। जब हवा जाएगी अंदर तो लंग्स क्या करेंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर अंदर जाते हैं और एक्सहेल करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ बाहर रहती है। और वो जो एयर जो होती है उसमें से कुछ अमाउंट, थोड़े सा अमाउंट की एयर जो करती है वो हमारे बॉडी में, वो लंग्स के अंदर रह जाती है। इस एयर को क्या कहते हैं, रेजिड्यूअल एयर। वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो हो जाती है लंग्स के अंदर रह जाती है, रेजिडुअल एयर, ठीक है। इसका काम क्या होता है रेजिडुअल एयर एयर का, कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है ना, उस टाइम उस प्रोसेस को लगता है टाइम, प्रोसेस को लगता है टाइम। तो इस वजह से जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो अंदर रहती है, वो इस प्रोसेस को करवाती है, और बाकी की जो हवा होती है वो बाहर चली जाती है जो यूज की नहीं होती है, ठीक है। अब जो छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जिनका बॉडी स्मॉल होती उनके अंदर जो रेस्पिरेशन, जो इसका CO2 और O2 का ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट होता है ना, वो हो जाता है आसानी से डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन से। पर जो बड़े एनिमल्स होते हैं, बिग एनिमल्स, ठीक है, वो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो इस वजह से डिफ्यूजन, खाली जो डिफ्यूजन होता है उससे हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी बॉडी को चाहिए होती है ज्यादा ऑक्सीजन, इसलिए उनकी बॉडी में होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो पिगमेंट है वो है हमारा हीमोग्लोबिन, जो हमारे RBCs पे प्रेजेंट होता है और क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और यही एक्सचेंज भी करवाता है हमारी ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, ठीक। आया समझ में यहाँ पे? सर स्मॉल एनिमल वाला बता देंगे एक बार। देखो, स्मॉल एनिमल जो होती है, स्मॉल एनिमल जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो होती है ये जो ऑक्सीजन जो जाती है, ठीक है, उसको जाने के लिए कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं होती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू जा सकती है, डिफ्यूजन के थ्रू जा सकती है, ठीक है। तो इनकी बॉडी अच्छा, के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू मतलब डिफ्यूजन के प्रोसेस से जा सकती है। डिफ्यूजन का प्रोसेस पता है? सर हायर कंसेंट्रेशन, सर हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन वाला, ठीक। हाँ, वही वाला प्रोसेस, आसानी से जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए इनको पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से जो इनका ब्लड होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होता है। कलरलेस कहना ज्यादा सही रहेगा, ब्लड जैसे कॉकरोच का अगर ब्लड देखा हो तो वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। अब फिशेज रेस्पिरेशन कैसे करती हैं? सर गिल्स से गिल से करती है, गिल से ब्रीथिंग करती है बेटा।
किल से क्या करती है, वो वाटर लेती है, उसमें से ऑक्सीजन को करती है अलग, सेपरेट आउट, और वो और एच को छोड़ देती है बाहर, ठीक है। ये होती है किल से। फिश के अंदर जो गिल्स होते हैं, फिश फिश जो लेती है वो लेती है डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन का, कि जो ऑक्सीजन है इनकी इनकी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए वो किसमें मिली हुई है, पानी के अंदर, वाटर के साथ मिली हुई है, इसलिए इनको ऑक्सीजन जो मिलती है कम मिलती है, लो ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए इनको दोबारा बार बार ये जो सांस लेती है, जो रेस्पिरेशन करती है वो जल्दी जल्दी करती है, इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसा होता है, फास्ट। इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बॉडी के अंदर वाटर होता है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो होती है डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। अब डिसॉल्व फॉर्म में होने की वजह से क्या दिक्कत है, कि जब भी ये पानी लेंगे तो मान लो कि अगर इनको ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा चाहिए तो इनको पानी ज्यादा लेना पड़ेगा, मोर मोर वाटर लेना पड़ेगा मोर ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इस वजह से ये जो फिशेज होती हैं जल्दी जल्दी रिस्पायर करती है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेती है, ठीक है। आगे सर समझ, ये क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि इसके अंदर हाई नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है ना डायरेक्ट, वो तो है पानी वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिलके बनी है। सर अगर यही बाहर निकालते हैं तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन तो ले सकती हाँ है ना वो? वही वाली बात बता रहा था मैं, कि जो फिशेस को चाहिए वो चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे, पानी के बाहर निकाल देते तो वो मर जाती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे गिल्स होते हैं, ठीक है, वो एक पेपर की तरह होते हैं, जैसे पेपर मान लो तुम, ठीक है, पेपर की तीन लेयर है, ऐसे ही होते हैं गिल्स, यस सर। ठीक है। पेपर की तरह होते हैं ये, ठीक है, तो जब भी इनके अंदर होते हैं हेयर्स भी छोटे 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 फिन्स की तरह होते हैं, फिन्स, ठीक है, तो पानी के अंदर जब ये डूबे हुए रहते हैं तो ये खुले हुए रहते हैं, ओपन रहते हैं, ठीक है, जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो ये ओपन रहते हैं, मतलब खुले हुए दूर दूर रहते हैं, जैसे हम पानी से बाहर निकालेंगे, ठीक है, जैसे ही पानी से बाहर निकाला तो पानी की वजह से जो बाहर जो एयर प्रेशर की वजह से ये सारे क्या करेंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे एक साथ, ये यस ट्राई करके देखना कि तुमने तीन पेपर लिए, ठीक है, जब उसे पानी के अंदर डुबोगे तो वो दूर दूर तक फैले हुए रहेंगे, ठीक है, ओपन रहेंगे, जैसे तुम बाहर निकालोगे तो वो चिपक जाएंगे आपस में, चिपक जाते, नहीं चिपक जाते पेपर, तो सर। वैसे ही गिल्स भी काम करते हैं। अब जब ये चिपक जाएंगे तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, एयर का इंसुलेटर, क्योंकि इसमें अभी भी वाटर तो प्रेजेंट है, वाटर की वजह से तो आपस में चिपक गए हैं ये, ठीक है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब गैप ना होने की वजह से इसके अंदर तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी, मतलब एयर तो जा ही नहीं पाएगी, जब गिल्स ही बंद हो गए तो ऑक्सीजन एयर जाएगी कैसे अंदर, आया समझ में, नहीं आया, दोबारे सर दोबारा रिपीट कर रहे हैं दोबारे रिपीट करो, सर, इस गिल्स के बारे में बता देना सर हाँ प्लीज। गिल्स के बारे में बता रहा हूं, देखो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो हमारे गिल्स जो होते हैं जब पानी के अंदर डूबे हुए रहेंगे, जब फिश हमारी पानी के अंदर है, ठीक है, तो गिल्स होते हैं पेपर की तरह, तीन पेपर मान लो, तीन पेपर है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जब पानी के अंदर जाएंगे तो ये खुल जाएंगे पेपर, ठीक
ये जो गिल्स हैं ये थोड़े ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ओपन हो जाएंगे, तो इनके बीच में हो जाएगा गैप, थोड़े दूर दूर चले जाएंगे, बीच में हो जाएगा गैप, इनकी ओपनिंग जो है वो ओपन रहेगी और इसमें आसानी से वाटर जा सकेगा। नहीं आया यस समझ सर, में? यस सर आया। आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे बाहर निकाला, पानी से निकाला बाहर, ठीक है, जैसे पानी से तुम बाहर निकलोगे, स्विमिंग पूल से बाहर निकले, तो तुम्हारे बाल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं पानी की वजह से, यस सर, और जैसे यस पानी के सर, अंदर डूबे हुए रहोगे तो बाल ऊपर हवा में उड़ते, मतलब पानी के अंदर उड़ेंगे, हैंगे नहीं, बोयंसी फोर्स यस लगता सर, है ना, ऐसे ही होता है इसके अंदर, फिशेस के अंदर जो गिल्स हैं वो दूर दूर रहेंगे पानी के अंदर उड़ेंगे, और जब बाहर निकाल देंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। यस आया समझ में? इतना आया, ठीक सर, यस सर, है। अब जब ये चिपक गए हैं आपस में, ठीक है, इनके चिपकने की वजह से क्या हुआ है कि जो गिल्स की जो ओपनिंग है, अब ओपनिंग होती है इधर की साइड पर, पीछे की साइड, इस वाले पहले फिन्स के पीछे होएंगे इधर की साइड, और फिर दूसरे फिन्स के भी पीछे होएंगे इधर की साइड, ठीक है, तो इधर की साइड होते हैं गिल्स की ओपनिंग, और इस वजह से क्या होता है कि जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो इनके बीच में कोई भी गैप तो रहेगा नहीं, है ना, गैप नहीं यस रहे, सर, गैप नहीं रहेगा तो हवा जाएगी कैसे अंदर, एयर अंदर जाएगी कैसे, यस तो एयर अंदर गई नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, इस वजह से मर गए। आया समझ में? नहीं आया अभी? पक्का सर, नहीं यस सर, यस सर, माइक बंद कर लो अब जरा अपना, अब जरा सर्कुलेशन देखना, ठीक है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है, हमारा हार्ट जो होता है वो कितना बड़ा होता है, फिस्ट जितना होता है, फिस्ट फिस्ट मतलब कि मुट्ठी के जितना, जितने हमारा एक पंच बनाओगे ना जैसे तुम उंगलियों से, ठीक है, फिस्ट जितना, अब किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी का हाथ बड़ा होता है ना, तो एक्चुअल साइज कैसे पता चलेगा, तो ऐसा ही होता है हार्ट, किसी का हार्ट बड़ा होता है, किसी का हार्ट छोटा होता है, उसके बॉडी के पोस्चर पे या बॉडी की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, हार्ट की डेवलपमेंट कैसी हुई, साइज कितना हुआ, ठीक है, आया, और हार्ट कितना होता है, ह्यूमन हार्ट कितना होता है, चार चैम्बर होता है, क्या मतलब है चार चैम्बर, की हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होंगे, चार चैम्बर होंगे, चार ठीक चैन, है, कैसे, ये होता है चार चैंबर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा इसे कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, नीचे वाले को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ऊपर वाले को कहेंगे राइट एट्रियम, और नीचे वाले को कहेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यस सर, आया समझ में, और ये जो बीच का जो सेपरेशन होता है, जो डिवाइड करके रखता है लेफ्ट और राइट से, इसे कहते हैं सेप्टम, ठीक है, सेप्टम कहा जाता है, ठीक है, अब यहां से जो है कुछ वेन्स भी जाएंगी हमारी, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट एट्रियम से जो वेन आ रही है इस दर की तरफ, लेफ्ट एट्रियम में क्या करेगा, ब्लड आएगा, ठीक है, एट्रियम के दोनों एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, ब्लड एंट्री लेता है, ठीक है, और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, आया समझ में, इतना आया, तो जो ब्लड एट्रियम लेके आएगा वो होते, उसे कहते हैं हम पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ये ब्लड का कैसा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड वाला, ऑक्सीजनेटेड वाला मतलब जो कि प्योर ब्लड लगाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, कहां से लेके आएगी, लंग्स से,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ला रही है, ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है। आया समझ में? यस सर। अब ये जो है ये ब्लड जब भर जाएगा इसके अंदर एट्रियम के अंदर, तो ब्लड क्या करेगा, फ्लश कर देगा, मतलब ब्लड का चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब ये स्क्वीज करेगा जब ये ब्लड स्विच करेगा तो ये क्या करेगा, किसके अंदर ब्लड चला जाएगा, वेंट्रिकल में, ठीक है। आया समझ में? यस सर। अब जब स्क्वीज करा, स्क्वीज का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड वाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा बॉडी की तरफ जाएगा, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा पूरी बॉडी की तरफ, और जो ले जाने वाली जो वेन है उसे कहते हैं हम एओटा, ठीक है, एओटा। आया समझ में कितना? यस सर। यस सर आ गया। अब यहाँ तो ये तो हो गई लेफ्ट साइड वाली कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, अब राइट एट्रियम की तरफ भी ब्लड आ रहा है, इसमें क्या आएगा, ब्लड आएगा कहां से आएगा, बॉडी से आएगा। कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर क्या है, CO2 है, ठीक है, मतलब पॉइजनस ब्लड आएगा, बेकार वाला, जिसको अभी हमें प्योर करना है, ठीक है। और इसको लेके कौन आएगा, वेना केवा, ठीक है। अब जब इसके अंदर, जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड भर जाएगा अच्छे से, ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम, ये ब्लड चला जाएगा हमारा सारा नीचे अंदर, लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और जब राइट वेंट्रिकल जो है फिर से फ्लश करेगा, मतलब स्क्वीज करेगा, तो अब ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के अंदर, यहां से जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स में कैसा ब्लड है इसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड। आया समझ में, लंग्स के अंदर, और लेके जाने वाला कौन होएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरीज। आया समझ में? तो सर राइट आर्ट्रियम में हुआ क्या है सर, उस डीऑक्सीजन उसमें भी है और डीऑक्सीजन ब्लड इसमें भी निकला, तो फिर किया क्या है इसने किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड निकला सर, आप जब ये ब्लड इसमें जो राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजन ब्लड ही तो गया है सर ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाएगा तो वो आ रहा है बॉडी से आ रहा है निकल के, ठीक है, बॉडी से आ रहा है, और बॉडी से कैसे आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर क्या है, CO2 है। ओके सर। आया समझ? यस सर। जैसा जो नहीं आया यस सर। देखो अब एक चीज समझो कि वेंट्रिकल जो है दोनों वेंट्रिकल, ठीक है, वो बहुत ही प्रेशर से हमारी ये जो है, ये वेंट्रिकल क्या है, बॉडी के अंदर ब्लड भेज रहे हैं, ला नहीं रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो वॉल्स होती है, वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है, वॉल्स जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, कंपेयर करके वेंट्रिकल से और एट्रियम से, ठीक है। यस सर। आया समझ में? देखो अभी और अच्छे से आएगा, एक और चीज बताता हूं मैं तुम्हें, सेकंड। ये देख, यहां देखना,
ये है मेरा हार्ट, ठीक है, जो कि फोर चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप निकल रही है जिसको हम कहते हैं एओर्टा, ये जा रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। कैसा ब्लड लेके? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर हो गया गैसेस का एक्सचेंज, CO2 जो थी वो ब्लड के अंदर मिल गई और ऑक्सीजन जो थी वो बॉडी के अंदर मिल गई, ठीक है। अब यहां से जो ब्लड निकल रहा है वो जाएगा हमारा राइट एट्रियम के अंदर, जा रहा बॉडी से, ठीक है। कैसा ब्लड हो गया? अब ये टी ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके अंदर क्या है? CO2। कौन लेके जा रहा है इसे? पल्मन वेना केवा, वेना केवा, ठीक है। अब इसके अंदर से ब्लड जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल हमारा ब्लड लेके जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स के अंदर कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरीज। कैसा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? उसे ऑक्सीजन, उसे प्योर बनाने के लिए। अब लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगी? एक्सचेंज हो जाएगी ब्लड के अंदर और CO2 चली जाएगी बाहर गैस बन के, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस आ जाएगा हमारा हार्ट के अंदर, और कौन लेके आएगा इसे? पल्मोनरी वेन्स। कैसा ब्लड आ रहा है इसके अंदर? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड। आया समझ में? यस सर। अब आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को, प्रोसेस को कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारे जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर कितनी बार जा रहा है? दो बार जा रहा है, एक बार यहां से गया, एक बार यहां से गया ब्लड, और निकल कितनी बार रहा है? दो बार रहा है, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। आया समझ में? यस सर। सबको आ गया? अब समझ में आ गया सर्कुलेशन? यस सर। ठीक है, बस सर्कुलेशन में इतना ही था और नहीं है। मुझे नहीं पता डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है। नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। वह समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। पूछना है किसी को कुछ? नो सर। सर टाइम एंड डिस्टेंस कब कराओगे? कल कराओ, कल कराओ। कल करेंगे कल। टाइम एंड डिस्टेंस तो आ भी नहीं रहा है, टाइम और डिस्टेंस आ नहीं रहा है आपके कोर्स में, मोशन नहीं है, फोर्स और लो है बस खाली। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।